मध्य प्रदेश के इंदौर के छत्रीपुरा थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह के दौरान डीजे बजाने की बात को लेकर पुलिस और दूल्हे के परिजनों के बीच जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि छत्रीपुरा थाने के 3 जवानों ने शादी में जमकर तोड़फोड़ कर महिलाओं के साथ मारपीट कर डाली, जिसकी शिकायत दूल्हे के परिजनों ने थाना प्रभारी से की। दरअसल इंदौर के छत्रीपुरा थाना क्षेत्र की पुलिस लाइन में शादी का रिसेप्शन चल रहा था और शादी में जमकर डीजे बजाया जा रहा था, जिसकी शिकायत आसपास के रहवासियों द्वारा छत्रीपुरा थाने में की गई, जिस पर थाने के 3 जवान शादी समारोह में पहुंचकर डीजे बंद करवा रहे थे। तभी दूल्हे के परिजनों और पुलिस के बीच जमकर विवाद हो गया। वहीं दूल्हे के परिजनों ने पुलिस पर मारपीट और डीजे का सामान ले जाने का आरोप लगाया है। वहीं पूरी घटना में पुलिस द्वारा मारपीट में 4 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें पहला पुरुष और एक बच्ची शामिल है, जिनका MY हॉस्पिटल में इलाज जारी है। वहीं छत्रीपुरा थाना प्रभारी पवन सिंगल ने जानकारी देते हुए बताया कि रहवासियों की शिकायत पर पुलिस के जवान डीजे बंद करवाने गए थे, तभी वहां विवाद हो गया। पूरी घटना में जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंदौर से संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। पहला दिन चल रहा था, 3 पुलिस वाले छत्रीपुरा थाने के, वो अंदर घुस गए, स्पीकर बंद कर दिया। स्पीकर बंद कर दिया, वो लेकर भागने लगे। लेडीज ने उनको हाथ में आई, वो स्पीकर मांगा, उन्होंने दिया, उसको चाटा मार दिया लेडीज को। चाटा मारा, चाटा मारने के बाद उनसे बोले ना कि हमको वापस दो, तुम बजा के रहो। 12 बजे का टाइम था, 12 बजे बंद कर देते, 2 दिन से हमारा गुजारा, हमारे वहाँ हम 12 बजे तक बंद कर रहे। तो उसके बाद में 12:30 बजे लोग आए, स्पीकर छीना, तो छीना चप्पी कर दी, तो छीना चप्पी उनसे कर दी ना, तो उन्हें माना चालू कर दिया। 3 तो सारा पे हुए लेडीज को मारा गया। हाँ, लेडीज को मारा, एक सर फोड़ दिया। 3 साल की बच्ची है, 4 साल की, उसके पेट पे सीने पे ऐसा मारा उन्होंने, तो सर वो रो रही है। क्या नाम पुलिस वालों का? एक का नाम ब्रजेश है और एक का नाम अमरीश है। अमरीश है, तो तीनों पुलिस वाले यहाँ सामने रहते हैं। अमरीश तीन सामने रहते हैं, उसके पापा को रहा कि लड़ पड़ा, उसके पापा को तीनों नशे में। थाने गए थे क्या? वो हम थाने गए थे, और लेडीज ने जो थाने गई रिपोर्ट लिखा, वो हमारे जो बड़े पिताजी है उनके पेड़ में मारा, उनको राड़ लगी पेड़ में। आपको दिल्ली को मारा? दिल्ली को ही मारा, पूरा सामने खड़ा, पूरा खाना वाना था, फेंक को आ गया, पूरा खाना फेंक गया। हाँ, आपका नाम बताइए? मेरा नाम योगन समद है। आप कौन लगते हैं दूल्हे के? मैं दूल्हे का भाई हूँ। भैया पूरा मेरा खाना, पूरा खाना फेंका इन लोग ने, पूरा खाना फेंका मेरी चोरियों को मारा। 3 पुलिस वालों ने, 3 पुलिस वालों ने मेरी चोरियों पे हमला करा, तो मेरी बेटी का सर फोड़ दिया इन लोग ने। वो दारू पिए हुए थे, वो 2000 रुपए मांग रहे, बोले हमको 2000 रुपए दो, बोले और इन्होंने हाथ पे वो कर दिया। पूरा नाटक कर रहे हैं यहाँ पे इन लोग ने। भैया होना चाहिए भैया, हमारा नुकसान हमारे बच्चों का, और मेरे बच्चे होना चाहिए। उनके सामने नीरज धनक के यहाँ पे शादी थी और लगभग 11:30 बजे तक डीजे बज रहा था, तो आसपास के लोगों ने थाने पे सूचना दी थी। उसी आधार पर बीट के कर्मचारी और थाने कर्मचारी इसके जो डीजे बज रहा था उसको बंद कराने गए थे, तो वहाँ कहीं आपस में विवाद हुआ है, अभी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो जिसकी भी गलती होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की। सर क्या हम कुछ मारा पीटी भी हुई है सर? अब वो मेडिकल के लिए गए हैं और जैसी भी जिसकी इसमें गलती होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की। पुलिसकर्मियों के खिलाफ को पुलिसकर्मियों के ऊपर कुछ मारपीट की गई है ऐसा कुछ? नहीं, अभी हाल ही ऐसी कोई जानकारी, मेडिकल के लिए गए हैं वहाँ पे, और जब मेडिकल से आ जाएंगे जो बारात से संबंधित लोग थे उनके कुछ चोटें हैं, तो वो जब भी आ जाएंगे मेडिकल करा के उसके बाद ही बता पाएंगे। और हमारी इस तरफ पे भी हम जांच कर रहे हैं कि उसमें गलती किसकी। तो महिलाएं घायल हुई सर? हाँ, वो डीजे चूंकि 11:30 बजे तक बंद नहीं हुआ था, तो वो आपस में इनका विवाद हुआ है या पुलिस से विवाद हुआ है, अभी अभी हल जांच का विषय है, और जिसकी भी गलती होगी उसके खिलाफ कार्रवाई। थैंक यू।